खबर अहमदनगर से है, जहां अहमदनगर जिले में सरकारी राशन गेहूं और चावल की तस्करी करने का मामला सामने है। दरअसल शेरगांव थाने के पुलिस निरीक्षक विलास पुजारी को एक मुखबिर से सूचना मिली। अहमदनगर जिले के शेवगांव के रेणुका नगर इलाके में सरकारी राशन के चावल को उच्च कीमतों पर बिक्री के लिए बाजार ले जा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चावल से भरे एक ट्रक पर छापा मारा है। 9 लाख रुपए मूल्य का 40 टन चावल, 44 लाख रुपए का ट्रक और कुल मिलाकर 53 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।